खंभागढ़ी राजस्थान सभी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 खुशखबरी है। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान मंत्रियों की मीटिंग हुई जिसमें राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसियां रुकी हुई थी उनको जारी करने के आदेश पूरे और पूरे क्लियर तरीके से मिल चुके हैं। जी हाँ, बहुत 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 जो टाइम से वैकेंसी रुकी हुई थी अब वो क्लियर हो गई हैं और वो जल्द ही आने वाली हैं जैसा कि मीटिंग में तय हुआ है। पूरी बात मैं डिटेल में बता देता हूं, आइए एक एक चीज पे बात करते हैं। 1512 पोस्ट, मतलब 1500 लगभग पोस्ट आप लोगों के लिए मंत्री द्वारा ये उस मीटिंग में बताया गया है कि विद्युत विभाग ने भी इस पर मंजूरी दे दी और सरकार ने भी मंजूरी दे दी कि मतलब वैकेंसीज हमारी तरफ से निकाल दी जाए। अब बस किसका इंतजार रह गया है, नोटिफिकेशन आने का इंतजार रह गया है। पूछने पर मंत्रियों से पूछा गया कि भाई कब तक लगभग नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी ना कि भाई वैकेंसी आ रही है, ये तो बहुत टाइम से चल रहा है पर कब आ रही है। उन्होंने ये बात बोली है कि 15 सितंबर 20 सितंबर तक हम ये रिलीज कर देंगे नोटिफिकेशन। अब इसमें एक बात का संदेह जरूर रह जाता है कि क्या उनकी बातों पर विश्वास किया जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि अरे भाई मंत्री हैं ये तो इस तरीके से बोलते ही रहते हैं। तो देखिए, इस बात की गारंटी खुद मंत्री से जब ये सवाल पूछे गए, ये बात रखी गई, तो उन्होंने इसका जवाब इसी रूप में दिया है कि भाई हमारी तरफ से शब्दों में पूरी गारंटी है, मतलब मंत्री की तरफ से पूरी गारंटी है शब्दों में। उन्होंने कहा कि मैं लिखित इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखित चीजें नहीं दे सकता, पर उन्होंने कहा कि विश्वास रखिए बिल्कुल ये सितंबर तक निकल ही आएंगी। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि वो कमर कस लें, अपनी तैयारी, अपने नोट्स उठा लें, जो भी प्रॉब्लम है वो उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस हिसाब से मीटिंग में मंत्रियों द्वारा बोला गया है वो एक उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। दुख की बात यह है कि 600 पोस्ट, वो 6000 पोस्ट आनी थी जो कि नहीं आई, वो 1500 ही आई। बट मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, सभी स्टूडेंट्स को जो आईटीआई कर रहे हुए हैं, कि आप लोग इस बात पे दुखी ना हो, 1500 पोस्ट भी कुछ कम नहीं होती। अभी 608 पोस्ट थी यूपीपीसीएल में, 608 पोस्ट जो यूपीपीसीएल टेक्नीशियन में थी उसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और काफी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आया है। ये हम लोग धीरे धीरे, आप लोग जैसे हमसे जुड़ेंगे आप लोगों को पता चलता ही चला जाएगा। जयपुर डिस्कॉम के लिए 1035 पोस्ट अलॉट करी गई है, अजमेर डिस्कॉम के लिए 80 और जोधपुर डिस्कॉम के लिए 397। तो जो जिस जिले के पास में रहता है वो बहुत अच्छे से चुन सकता है कि उसे कौन से डिस्कॉम में प्रायोरिटी पहले देनी है और कौन से डिस्कॉम में या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में बाद में देनी है। पैटर्न की बात करें, वहां मीटिंग में जब ये बात हुई कि पैटर्न क्या रहेगा, तो 2013 के जैसा पैटर्न रहेगा। अब 2013 में पैटर्न क्या था इसकी हम लोग डिटेल्ड एक वीडियो बना लेंगे, डिटेल डिस्कशन हम इस पे कर लेंगे। एक बात, एक खुशी की बात यह है कि कोरोना की वजह से कुछ लोगों की एज, देखिए वैकेंसी पेंडिंग हुई और कोरोना भी आ गया, तो उस वजह से एज काफी लोगों की निकल चुकी थी, पर उन्होंने बोला, सरकार ने बोला, मंत्री ने बोला कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा ये जानकारी केवल और केवल नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ही दी जाएगी, इससे पहले उन्होंने नहीं दी है। मोड पेपर का जो है वो ऑनलाइन ही मोड होगा, हालांकि इस बात पर काफी चर्चा बनी हुई थी कि ये मोड ऑफलाइन ही रखा जाए, बट उन्होंने ये कहा कि नहीं, मोड ऑनलाइन ही रखा जाएगा। देखिए, काफी लोगों ने दलील भी दी कि क्या कहते हैं ऑफलाइन ही रखें बेटर रहेगा, क्योंकि पिछली बार राजस्थान टेक्नीशियन में या राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में कंप्यूटर के जो स्क्रीनशॉट्स थे या कंप्यूटर के जो फोटोज थे वो काफी पेपर के टाइम पर सर्कुलेट हो चुके थे कि पेपर बाहर आ गया करके, बट फिर भी सरकार ने ये बात पर तो मंजूरी नहीं दी कि वो ऑफलाइन कराएंगे, उन्होंने कहा ऑनलाइन पेपर कराएंगे। खैर, हमें फर्क क्या पड़ता है, हम तो तैयारी अपनी बेस्ट रखनी है, ठीक है। बस सरकार ने एक चीज इस पे आश्वासन जरूर दिया था कि मतलब जेई के पेपर भी अभी ऑनलाइन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जेई की पेपर अगर सक्सेसफुली ऑनलाइन होंगे तो विश्वास मानिए ये भी पेपर, TG2 का भी, टेक्निकल हेल्पर का भी पेपर सक्सेसफुली आपका कर दिया जाएगा ऑनलाइन। अगर जेई के पेपर में कुछ गड़बड़ी निकलती है तो वो सोचेंगे कि इसे ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन कर दें, ठीक है। तो आप लोग बस ये देखिए कि जेई के पेपर में कोई धांधली ना हो, जेई के पेपर में कुछ भी चीटिंग का हमें सुनने को ना मिले, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये पेपर ऑनलाइन ही होंगे, क्लियर है इतनी चीज।
अब बात रहती है, मैं लास्ट बात यहां पर और क्लोज करते समय एक बात बताऊं, अगर ये वैकेंसी सितंबर तक नहीं निकलती है तो घबराइए मत स्टूडेंट्स, सारी फैकल्टीज सारे टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए सरकार से इस बात को रख पाए कि भी वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकलनी चाहिए। 6000 पोस्ट तो नहीं उन्होंने मना किया कि 6000 पोस्ट वो लोग निकालेंगे, बट याद रखिए उन्होंने मतलब कहा कि कोविड की वजह से इतना बजट नहीं है, बट ये है कि ये वैकेंसीज उन्होंने कहा है 1500 वैकेंसीज उन्होंने कहा है कि जरूर निकलेगी, बस जल्द से जल्द निकलेगी। तो सभी स्टूडेंट्स अपना ये बात को सीरियसली लें, ठीक है। बहुत दावे के साथ मंत्री के द्वारा ये बात कही गई है, राजस्थान मंत्रियों द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है। इनफैक्ट विद्युत अधिकारियों के द्वारा भी ये बात कही गई है, जो विद्युत अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कही गई है। तो मिलते हैं, डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा प्लान करेंगे, जेनिक टीम आप लोगों के लिए प्लान करेगी और बहुत बहुत शानदार तरीके से हम आपको इसमें सिलेक्शन दिलवा के ही रहेंगे। बहुत बढ़िया तैयारी हमारी तरफ से, जितनी हेल्प हम लोग कर पाएंगे डेफिनेटली करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।